प्रतीक सहजपाल के फैंस के लिए वाकई में बड़ी खबर है। प्रतीक सहजपाल भले ही ट्रॉफी ना जीता हो, लेकिन जो लोगों का प्यार जीता है, दिल जीता है, ऐसा लगता है कि असली विनर वो बन ही गए। ऐसे में अब प्रतीक सहजपाल के साथ कलर्स एक और शो कर रहा है। प्रतीक की पॉपुलैरिटी को भुनाने के लिए अब प्रतीक को ऑन बोर्ड फिर से लेना चाहता है कलर्स। कौन सा शो करने वाले हैं और क्या खबर आ रही है, मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पे आपको बताऊंगी। हालांकि खतरों के खिलाड़ी के उस लिस्ट में प्रतीक का नाम शामिल है जिनको अब शो के लिए अप्रोच किया जाएगा। जी हाँ, 10 दिन के अंदर लिस्ट जो है फाइनल हो जाएगी। हम आपको बता दें कि उस लिस्ट में प्रतीक का नाम भी शामिल है। फिल्म विंडो ने आपको बताया था कि उस लिस्ट में उमर रियाज का नाम भी शामिल है। तो अब एक एक करके जो है सभी सेलिब्रिटीज को ऑफर किया जाएगा। देखना होगा कि क्या प्रतीक ये शो करते हैं। प्रतीक का जिस तरीके से हमने टास्क में परफॉर्मेंस देखा है, एक बात तो साफ है कि प्रतीक अगर इस तरह का एक एडवेंचर शो करते हैं, इस तरह का शो करते हैं, तो उन्हें कोई भी जो है पीछे नहीं छोड़ पाएगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या प्रतीक को ये शो करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि प्रतीक, जब वो थे शो में तो सलमान ने बोला था कि तुम एक के बाद एक सिर्फ रियलिटी शो ही करते रहना, तो क्या आपको लगता है कि बैक टू बैक इतने रियलिटी शो ने करने चाहिए? मिक्का सिंह ने भी उन्हें घर के अंदर जाके सॉन्ग जो है वो ऑफर किया था। अकाशा ने दो गाने लिखकर रखे हुए हैं। तो उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो बैक टू बैक आने वाले हैं। पर अब खबर आ रही है कि खतरों के खिलाड़ी के लिए भी उन्हें अप्रोच किया जा सकता है।